नमस्कार दोस्तों, कल तक जो गोरे लोग बोला करते थे कि भारत गरीबों का देश है, भारत सपेरों का देश है, भारत के नेताओं में दम नहीं है, भारत क्या करेगा, इतना ही नहीं भारत को अंधबर गवार का देश कहा जाता था, इतना ही नहीं भारत के नेता को देखकर सब हंसता था, बोलता था कि कितना गरीब है, यहाँ पे खाने के लिए दाने नहीं है। दोस्तों इस तरह का मजाक उड़ाया करता था और बोला करता था कि भारत केवल नाम के लिए डेमोक्रेसी है, भारत दुनिया के सारों पे नाचता है, भारत में तो पैसा ही नहीं है। दोस्तों उसी अमेरिका में जो हुआ है ना, कह सकते कि पूरे दुनिया हिल गया है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के नाम पे अमेरिका खतरा बन चुका है। अमेरिका में अब वही काम होने वाला है जो कभी इराक में सद्दाम हुसैन ने किया था, अमेरिका में वही काम होने वाला है जो काम कभी हिटलर ने जर्मनी में किया था, अमेरिका में तख्ता पलट होने वाला है, अमेरिका में तानाशाही शुरू हो चुका है और इसी तानाशाही को देख के पूरे दुनिया हिल गया है। 220 साल के इतिहास में, दोस्तों वैसे तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, 220 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, अमेरिका में लोग आज बढ़ चुका है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, अब डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी कहानी आ गया, डोनाल्ड ट्रंप से सब नफरत कर रहा है, अब डोनाल्ड ट्रंप को सब सत्ता से बाहर कर देगा और वहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे अभी पहला कार्ड खेला है। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या क्या करने वाला है मैं आपको बताऊंगा। आपको लग रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप को सब निकाल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी शुरुआत ही किया है, डोनाल्ड ट्रंप इसी दिन का इंतजार कर रहा था और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपने काम में कामयाब हो चुका है, जिसका उम्मीद किसी को नहीं था वही काम कर चुका है। और चलिए जानते हैं आखिरकार अमेरिका में हुआ क्या है और किस प्रकार 2021 में वहाँ पे तानाशाही शुरू होगा, वहाँ पे इतिहास रचेगा। देखिए आप जानते हैं 2020 में ये फैसला हो चुका था कि अमेरिका में राष्ट्रपति अब बदलने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप जाने वाला है, जो बटन आने वाला, क्योंकि जो बटन जीत चुका था। लेकिन दोस्तों सबको पता है कि 20 जनवरी को वहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी कि पावर का ट्रांसफर होता है। और इसी खेल में दोस्तों 6 जनवरी को एक प्रक्रिया था, 6 जनवरी यानी कि कल एक प्रक्रिया यह था कि जितना भी इलेक्ट्रोल वोट है, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रोल संसद जीता हुआ है, सब क्या करता वहाँ पे आता, यानी कि अमेरिकी कांग्रेस में आता, अमेरिकी जैसे दोस्तों भारत में है ना लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से वहाँ पे सीनेटर है, कांग्रेस है, तो वहाँ पे सब आया था। सब क्या करता अपना अपना वोट को यानी कि इलेक्ट्रोल वोट को वेरीफाई करवाता और बताता कि हम ससून जीते हैं और हम समर्थन कर रहे हैं जो बाइडन को। दोस्तों जितना जो इलेक्ट्रोल वोट है सब जो बाइडन को समर्थन करता और सब उपराष्ट्रपति को सौंपता, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है ना अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट, उसे सौंपता और बोलता कि आज से हम डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दिए और हम आज से खासतौर पे नया नेता चुन लिए जिसका नाम है जो बाइडन, यानी कि तमाम नया संसद जो बाइडन को चुन लेता। लेकिन दोस्तों वो प्रक्रिया पूरा हुआ ही नहीं। बड़ी बात तो यह है कि जब कल यह प्रक्रिया चल रहा था उस समय अमेरिका में जगह जगह विद्रोह होना शुरू हो गया। बड़ी बात तो यह है अमेरिका का जो संसद भवन है वहाँ पे हजारों आदमी उतर गया और अंदर चला गया। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया और ये बोला कि देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये फ्रॉड हुआ है, इस इलेक्शन में सब कुछ फ्रॉड हुआ है, हमें सब निकाल रहा है। और दोस्तों लोगों ने गुस्सा करके संसद भवन में घुसना शुरू कर दिया और बड़ी बात तो यह कि संसद में घुस के तमाम चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया, वहाँ पर हंगामा किया, दंगा किया। इतना ही नहीं कुछ कुछ सामान चोरी करके ले गया, कह सकते कि जो मन में आया वो ले गया, यानी कि इतिहास में पहली बार हुआ कि जहाँ पे संसद बैठता था वहाँ पे अमेरिका के आम लोग घुसा हुआ था और जो मन है वो कर रहा था। दोस्तों कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए वो काला दिन था। अब बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए अमेरिका में भगदड़ मच गया। अब जगह जगह दोस्तों जो बाइडन और ट्रंप का जो सपोर्टर है वो फिरना शुरू कर दिया। पर बाद में जो बाइडन ने ट्रंप को फ़ोन किया और बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, आपसे अनुरोध है कि जितना जल्दी हो सके इसे आप ख़त्म करवाइए, अमेरिका का बदनामी हो रहा है, अमेरिका के इस हरकत से पूरे दुनिया में खलबल मचा हुआ है और पूरे दुनिया क्या सोचेगा। और बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम समर्थक को बताया और बोला कि आप लोग चले जाइए, अपने अपने घर चले जाइए, आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन किया। और दोस्तों यहाँ तक कहानी कल तक का है और आज भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे दंगा चल ही रहा है। लेकिन जैसे ही कल अमेरिका में सब हुआ उसके तुरंत बाद अमेरिका के तमाम पूर्व राष्ट्रपति और तमाम उपराष्ट्रपति जो अभी तक जीवित है दोस्तों उन्होंने मोर्चा खोल दिया और बोल दिया कि ये जो अमेरिका में हुआ है इससे अमेरिका का भयंकर बदनामी हुआ है, पूरे दुनिया में अमेरिका पे लोग छींक रहा है, थूथू कर रहा है, उसका एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कहीं कहीं छोड़ा है, हम अब आर्या पार करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को सजा दिलवा कर रहेंगे, ये क्या हो गया, अमेरिका का क्या नाम था और मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों इस तरह का मोर्चा खोलना पूर्व राष्ट्रपति ने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति जो बनने वाला है जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इस तरह का बात बोला, यहाँ तक कि बराक ओबामा भी मोर्चा खोला, बोला कि अमेरिका का बदनामी हुआ है।
आप पूछेंगे इससे क्या असर पड़ा डोनाल्ड ट्रंप पे। देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप सब मनोवैज्ञानिक असर डालना चाह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को सब झुकाना चाह रहा था, और इसी बीच भारत का एंट्री हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए मोदी जी ने बड़ा एक्शन लिया। मोदी जी ने ओपनली कहा कि अमेरिका में जो आज हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही गंभीर माहौल बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति तरीका से पावर का ट्रांसफर होना चाहिए, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ये क्या हो रहा है, हम चिंतित है, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा और खासतौर पे डेमोक्रेसी देश के लिए अच्छा नहीं होगा, जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक देश है वहाँ भी इस तरह का हरकत हो सकता है। इतना ही दोस्तों, यही बात बोरिस जॉनसन ने कहा, खासतौर पे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साफ कहा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुद से हार मान ले, यानी कि ये जो हो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप का गलतियां है, डोनाल्ड ट्रंप हार मान जाए नहीं तो इससे पूरे दुनिया को नुकसान होगा, खासतौर पे डेमोक्रेसी के लिए यह एक माहौल बन जाएगा जिसको जो मना करेगा, तमाम डेमोक्रेसी देश में यही होगा, जब चुनाव होगा तो सब अपना पद छोड़ने से मना कर देगा और वहाँ पे इसी प्रकार का हरकत होगा। अमेरिका में ये क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये गलत कर रहा है। दोस्तों, ब्रिटेन ओपनली खासतौर पर अमेरिका में शांति की बात कहा। इतना ही नहीं, कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो बहुत बड़ा बड़ा बयान दिया। जस्टिन ट्रूडो भी यही कहा कि अमेरिका में जो हो रहा है ये दुनिया के लिए खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप हार मान जाए ये क्या कर रहा है, जो बन सत्ता देना चाहिए, शांति से सत्ता का खासतौर पर परिवर्तन होना चाहिए, पावर का परिवर्तन होना चाहिए। इतना ही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोस्तों स्कॉट मॉरिसन भी मैदान में आ गया। ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है कि अमेरिका का अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने भी दोस्तों मोर्चा खोला और बोला कि अमेरिका में ये गलत हो रहा है, इस तरह से अगर होगा तो दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाएगा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता छोड़ देना चाहिए और सत्ता का जो परिवर्तन है वो हो जाना चाहिए, पावर ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ तक दोस्तों पॉइंट था। फिर उसके तुरंत बाद अमेरिका के तमाम जो सोशल मीडिया है, खासतौर पे ट्विटर हो गया, इन सब के अलावा फेसबुक हो गया, दोस्तों जितना भी सोशल मीडिया है, खासतौर डोनाल्ड ट्रंप का जितना भी अकाउंट सब बैन कर दिया, बोला कि 24 घंटा के लिए उसे हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, 24 घंटा के लिए वो बंद रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी दंगा फैला सकता है और ये अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, हम डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को फिलहाल बंद कर रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को चारों ओर से तमाम प्रेशर बनाया गया। आप पूछेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से हट जाएगा, पीछे हट जाएगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा गेम है, तो बताऊंगा आखिरकार क्या गेम है, लेकिन इन सबसे पहले अमेरिका के तमाम सांसद जो है ना, खासतौर पे जो विपक्षी पार्टी है, वो अब मोर्चा खोला हुआ है, और खासतौर पे वहाँ के जो वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति है माइक पेंस, दोस्तों माइक पेंस को बोल रहा है कि आप एक आर्टिकल यूज कीजिए, यानी कि आर्टिकल 25 है दोस्तों अमेरिका संविधान में, अमेरिकी संविधान में आर्टिकल 25 है जो बनाया गया था कि कभी भी अमेरिका के कोई भी राष्ट्रपति अगर पावर का दुरुपयोग करे या फिर उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाए, वो पागल हो जाए, कुछ भी करना शुरू कर दे, किसी पे हमला करना शुरू कर दे या फिर देश में कुछ भी हरकत करना शुरू कर दे, तो उस समय उसका पावर खत्म किया जा सकता है। कैसे? तो उस समय उस राष्ट्रपति का साइन चाहिए और उस पार्टी का, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का पार्टी जो है दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद चाहिए और उस पार्टी के राष्ट्रपति चाहिए, दोनों मिलके खासतौर पे जिसका मानसिक संतुलन खो गया है उस राष्ट्रपति पद से बाहर कर सकता है, और उस समय जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों, ऐसा 25 आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल 25 में लिखा गया है।